क्या बोल रहे डुप्लीकेट है? खैरे साहब, अभी आप है कहाँ और पाटिल मामा कहाँ है? महाराष्ट्र सरकार को यह पता लग चुका है क्या? मुसलमानों को हरा साहब बोलने वाले की ये मराठवाड़े में जरूरत नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जगन्नाथ किशन उगले उर्फ पाटिल मामा वड़ापाव वाले। मैं पिछले 30 साल से शिवसेना का शाखा प्रमुख था और उद्धव साहब के गले में मैंने हार डाला हुआ है। और जब खैरे साहब और मेरे खासदार साहब इम्तियाज जलील सर, जब एबीपी माजा पे ये न्यूज़ चल रही थी तो खैरे साहब ने बोला था ये आदमी डुप्लीकेट है। तो मैं ये बात ओपन करना चाहता हूँ कि मैंने साहब 30 साल आपके लिए मेरी जिंदगी ही नहीं बल्कि मैंने अपना खून बहाया। 15 साल मैंने अपना खून दिया शिवसेना के लिए। 28 मेलावे शिवसेना के मैंने करे। जब खैरे साहब ने मुसलमानों को हरा साहब बोले तब से मेरे जहन में एक बात आई कि ये लोग जातिवादी है। और आज इसी वजह से बोलने का मौका मिला है और दिल कह रहा है कि मैं कुछ बात करूं साहब। नमस्ते, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करना। और अभी मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। ये महाराष्ट्र सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, सरकार बहुत अच्छे चल रही। हमारे खासदार इम्तियाज जी जलील साहब, इन्होंने एक आंदोलन करा था क्या मंदिर और मस्जिद खुलना चाहिए, वो तो खुले नहीं। और उसका खुलने का उनका ये रीज़न था क्या महाराष्ट्र में 30,000 किसान फूल बेचने वाले हैं, 3,00,000 लोग मंदिर से संबंधित, वो अगरबत्ती वाले, वो नारा वाले, वो फूल वाले, वो फूल पैदा करने वाला किसान और मंदिर के ऊपर जिनकी उधार निर्वाह चलती है, वो हिसाब से हमारे खासदार साहब ने ये आंदोलन करा था। क्यों? कि ये लोगों के भुखमरी का सवाल सॉल्व होना चाहिए। वो तो साहब हुआ नहीं, मगर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने वाली सरकार महाराष्ट्र सरकार, इन्होंने आज बड़ा दुख होता है सर। उद्धव साहब आप सीएम हैं, मैंने बहुत करीब से ये राजकारण देखा हुआ है और आपने मंदिर तो खोले नहीं, दारू की दुकानें खोल दिए। कल से बार शुरू हो रहे, यहाँ एमपीएससी के जो विद्यार्थी है अभ्यासिका खुली नहीं है, मंदिर नहीं खुला है, ग्रंथालय नहीं खुले है, स्कूल भी बंद है। जो जिंदगी का भविष्य है, डब्बे वाले मुंबई में हड़ताल कर रहे हैं, आदेश तो दे दिया आपने, उनको क्यूआर कोड नहीं है। तो मेरे आपसे विनंती है, आप कहाँ जा रहे हैं सर? ये क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र के अंदर? मेरी आपसे विनंती है सर कि हमारे खासदार साहब का ध्यान रखिए और आप ये मंदिर और मस्जिद सबसे पहले खोल दीजिए, बाद में परमिट रूम और बियर बार खोलना था। ये अपेक्षा आपसे पूरे मराठवाड़े को नहीं थी, ये मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मानता हूँ आपकी 3 चक्के वाली सरकार है, कितने मुसलमान है सर वहाँ, और वो असलम शेख साहब मुंबई में बैठे हैं। मैं इनको गुजारिश करूंगा कि आप मुंबई के पालक मंत्री है मेरे बाप, मैं दुआ करूंगा, आपको सलाम करता हूं। तो कम से कम आपने तो ये सोचना था, अरे मंदिर और मस्जिद, मंदिर तो छोड़ दो, मंदिर हिंदुस्तान के अंदर हर मराठे को कहीं भी है, मंदिर है,
धर्मशाला है, सभा मंडप है, स्कूल है, मुसलमानों को सिवा मस्जिद की क्या है? मुसलमान जब मरता उसके लिए जब जनाजा निकलता मेरे साहब तो वहीं से निकलता। और आज हमारे पालक मंत्री असलम सेठ साहब को मैं सलाम करता हूं, क्या साहब आप सोचिए हमारे बहन बेटियों की शादियां रुकी है, क्यों? कि जब निकाह लगता मस्जिद से होकर जाना पड़ता, उसी मस्जिद में चार लोग निकाह पढ़ते, 400 लोग बाहर रहते। आज तो 400 की कंडीशन है ही नहीं। तो असलम शेख साहब मैं आपसे विनंती करता हूं कि आप सोचिए, कुछ तो सोचिए। और क्या समझ के ये निर्णय हुआ, बियर बार खुले, परमिट रूम खुले, ये दारू पी के वहां बैठेंगे या मंदिर में दर्शन जाने से क्या कोरोना बढ़ जाएगा मेरे भाई? तो मेरी आपसे महाराष्ट्र सरकार से विनती है, या कुछ भी हो जाए ये मंदिर और मस्जिद खोल दीजिए। अभी मैं आपको इंतजार करूंगा और सलाम करता हूं महाराष्ट्र सरकार को और हमारे पालक मंत्री मुंबई के असलम शेख साहब, इनको भी सलाम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं। अरे साहब तो पहले से जातिवादी इंसान है, आज कहां है मुसलमानों को हरा साहब बोलने वाला इंसान? ये हो नहीं सकता ना। और मुझे भी कहा उन्हें डुप्लीकेट। खैरे साहब मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे पास शिवसेना का 30 साल का डाटा है, अगर मौका मिले आप चाहते हैं तो हर मीडिया पे ओपन करके दिखा सकता हूं। संदीपान जी मुमरे मेरे साथ है, प्रदीप जायसवाल मेरे साथ है फोटो के अंदर, खैरे साहब मेरे साथ है, अंबादाजी दानवी साहब मेरे साथ है, ये मेरा प्रूफ है। मैं डुप्लीकेट आदमी नहीं हूं। क्यों? मैं जहां जब जब गया जहां जहां गया तो ये लोग क्या बोले, पाटिल मामा तुमसे नाव सर्वेदियत नहीं, मेरा नाम मुसलमानों के सर्वे के अंदर सबसे पहले आया। बाला साहब ठाकरे की जयंती है शहर के अंदर किसी ने नहीं करी, 3 लाख रुपए खर्चा करके वो जयंती मैंने करा। जब यहां से रैली गई तो किसी ने मुंह तक ऊपर नहीं करा। साहब शिवसेना थी जब तक बाल ठाकरे थे, आज इसमें मजा नहीं है। अरे साहब मेरा क्या है, 62 साल की उम्र है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, मगर सच बोलते रहूंगा इसमें कोई शक नहीं। एमएन के साथ रहेंगे आप। और मैं एक वचनीय आदमी हूं, 30 साल मैंने आपके साथ जिंदगी की बिताए, काले बाल थे, आज चश्मा लग गया, अभी मेरा आखिरी समय है, मैं आखिरी तक एमआईएम का झंडा नहीं छोड़ूंगा, ये मैं कागज पे लिख देता हूं। और आप क्या बोल रहे डुप्लीकेट है? खैरे साहब अभी आप है कहां और पाटिल मामा कहां है? महाराष्ट्र सरकार को यह पता लग चुका है कि मुसलमानों को हरा साहब बोलने वाले की ये मराठवाड़े में जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, जातीयवादी राजकर नहीं चल सकता। आपने क्या बोला आंदोलन में, तुम्ही कौन मस्जिद उगड़नार? अरे तुम्ही का महाराष्ट्र मराठवाडा इकत घेतला का? अरे आमच्याही बापानी मायनी मुसलमानाच्या इथं रक्ताचे सणे सांडलेले आहेत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मौलाना आझाद साहेब, अशा अनेक लोक या देशासाठी त्यांनी रक्त सांडलेलं आहे। तुम्ही असं कसं म्हणता मस्जिद तुमची मंदिर तुमचं? अरे या देशात राहणारा प्रत्येक माणूस तो हिंदुस्थानी आहे। नाही तुम्ही तुमची मस्जिद उघडा, ते मस्जिद पहा, तुम्ही आमचं मंदिर उघडणार कोण? सगळ्यात पहिले तुमच्यावर गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे, माझं असं म्हणणं आहे। तुम्ही जातीवाद करता, म्हणून महाराष्ट्र सरकारला माझी विनंती आहे की तुम्ही हे सगळं उघडण्याच्या अगोदर पहिले मंदिर उघडा। सर सलाम आहे तुम्हाला। आमचे पालकमंत्री जे सत्तेत बसले असलम शेख मुंबईचे, त्यांनाही माझा सलाम आहे की सर तुम्ही कुठे झोपले? तुम्ही एक करा। एवढं बोलून मी माझं वचन संपवतो।
जय हिंद जय महाराष्ट्र। औरंगाबाद के सारे न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद अपडेट्स।